मैं सीमा पाठक, आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। देश में जो है एक अलग खुशी है, जिस तरीके से अयोध्या में जो है राम मंदिर बनाया जा रहा है, राम जी के जन्मभूमि पे जो है राम मंदिर बनाया जा रहा है। बहुत ही तपस्या के बाद जो है लोगों को ये गिफ्ट मिला है कि राम जी के जन्मभूमि पे राम मंदिर जो है बहुत ही भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। मिथिला में एक वैसा ही जो बोले कि एक नई पहल चल रही है कि सीता मैया की जो जन्मभूमि है सीतामढ़ी, उस पे भी सीता मैया का एक भव्य तरीके से मंदिर बनाया जाए, जहाँ पे जैसे राम जी लोगों की धड़कन है वैसे सीता मैया भी लोगों की धड़कन है। उसी तरीके से सीता मैया का भी जो है सीतामढ़ी में एक भव्य तरीके से उनकी मंदिर बनाया जाए। और हम बता दें आपको, जो वहाँ पे जो है 251 फीट की जो है सीता माँ की मूर्ति बनेगी, वहाँ पे प्रतिमा बनेगा। रामायण रिसर्च काउंसलिंग जो कमेटी बैठी, जिसमें आज होटल चंद्रा में जो है एक मीटिंग बैठाई गई, बहुत सारे ज्ञानी लोग वहाँ पे उपस्थित थे, बहुत सारे गुरु लोग वहाँ पे उपस्थित थे, जिन्होंने अपना अपना कुछ बातें रखा। और जिनका कहना था कि जिस तरीके से सीता मैया हमारी भूमि की हमारी बेटी है, उसी तरीके से उनको सम्मान मिले, एक सम्मानजनक मंदिर वहाँ पे बनाया जाए। और बहुत ही भव्य तरीके से जिस तरीके से राम जी का मंदिर बनाया जा रहा है, उसी तरीके से सीता मैया का भी मंदिर बनाया जाए, उसी तरीके से सीता मैया का भी मंदिर बनाया जाए। हमको बता दें कि 12 एकड़ इसके लिए जमीन भी मिल गई है वहाँ पे। और उन लोगों का कहना है कि जो भी लोग हैं वो इससे जुड़े और इस मंदिर को बनाने में जो है वो अपना योगदान दे। पैसा का कोई बात नहीं है, जो खुद एक लक्ष्मी की रूप है उनको पैसा की जरूरत नहीं, पैसा हर जगह से खुद ना खुद चल के आ ही जाएगा। पर कुछ जमीन का टुकड़ा अपना दे और इस पुण्य काम में जुड़े और अपने पुण्य काम की भागीदारी बने और मंदिर जो है सीता मैया का वो बनाने में सहयोग करे। श्री अश्विनी चौबे राज्य मंत्री जो है उन्होंने भी वीडियो के तहत जो है लोगों को ये संदेश दिया। वो भी वीडियो हम आपसे साझा करेंगे कि किस तरीके से सीता मैया का मंदिर बनाया जाए और जिस तरीके से राम मंदिर का लोगों में उत्साह है, उसी तरीके से सीता मैया के मंदिर का भी उत्साह हो। आगे क्या कुछ वहाँ की वीडियो है वो भी आपसे साझा करेंगे। जो कुछ लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई है वो भी आपसे साझा करेंगे। ये जो माता सीता की जो सीतामढ़ी में जो मूर्ति बनने जा रहा है, उस पर आज जो ये लोगों के द्वारा आज मधुबनी में जो बैठक थी, उस पर क्या बोलना चाहेंगे और कैसा मंदिर बन रहा है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मधुबनी के लोगों को देना चाहेंगे? अभी मंदिर बन नहीं रहा है, मंदिर बनने की तैयारी हो रही है। अभी वहाँ भूमि उपलब्ध हुआ है, थोड़ा और भूमि उपलब्ध कराएंगे। और जिस प्रकार से प्रभु राम के जन्मभूमि पर में अच्छा भव्य और दिव्य मंदिर बना है, उसी आर्किटेक्ट के द्वारा सीता के प्रागट्य क्षेत्र में भी भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। मंदिर के साथ साथ माँ सीता के एक दिव्य प्रतिमा वहाँ बनेगी, जिसके साथ उनके 108 स्वरूपों का भी मूर्तियाँ बनेंगी, जो आकर्षण का केंद्र है। जैसा अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, कुछ उसी रूप में यहाँ भी मंदिर बनाया जाएगा सीतामढ़ी में, कुछ वैसा ही प्लान? देखिए, राम मंदिर तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, राम मंदिर तो करोड़ों में है। हम लोग उसी के अनुरूप बनाने की चेष्टा करेंगे। माँ भगवती जितना सामर्थ्य देगा उतनी भव्यता और दिव्यता बनाने की कोशिश करेंगे। आज जो चंद्रा कॉम्प्लेक्स में जो आयोजन किया गया है, यहाँ पे जो आयोजन हुआ है, इसका क्या मुख्य कारण था और क्या जानकारी पहुँचाना चाहते थे मधुबनी के लोग? आज का ये आयोजन ऐसा है कि माँ सीता मिथिला की है, हर एक व्यक्ति माँ सीता से जुड़े हैं, लेकिन अभी तक लोगों के मन में यह प्रेरणा नहीं जगा था कि माँ सीता के उस पावन स्थल पर एक अच्छा भव्य दिव्य मंदिर बने, जिसको देखने के लिए संसार के पर्यटक भी आए। तो वो पर्यटन के दृष्टिकोण से ऐसा एक मंदिर बनेगा कि जो राम जी को दर्शन करने अयोध्या आएंगे, वो सीता जी को दर्शन करने के लिए, उस पावन भूमि को दर्शन करने के लिए मिथिला एक बार जरूर आए। आज जो मधुबनी में यहाँ पे चंद्रा कॉम्प्लेक्स में जो आयोजन किया गया है, इससे लोगों को, मधुबनी के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अपने रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में जो सीतामढ़ी के
अपने माँ जानकी की प्राकट्य स्थली पुण्यमयी भूमि मिथिला के सीतामढ़ी में जो प्रस्तावित कार्य योजना है उनके विषय में अपने रामायण रिसर्च काउंसिल के माननीय अध्यक्ष और जन्मभूमि ट्रस्टी श्रीमान आदरणीय कामेश्वर चौपाल ने सभी बात बारीकी से कही है। बात रही मधुबनी में करने के, तो अभी रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में जो यह कार्य योजना है प्रस्तावित, इसके विषय में दिल्ली में भी कई कार्यक्रम हुए हैं, पटना में भी। अपने सीतामढ़ी को छोड़ करके अभी मिथिला में विषय प्रवेश नहीं हुआ था। जन जागरण अभियान के तहत हम लोगों ने मधुबनी में पहल किया है और पहला कार्यक्रम अपने मिथिला के मधुबनी में यह जन जागरण के निमित्त हुआ। यही कि हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता इस जन जागरण करने के निमित्त लगे हुए हैं, सबों का सहयोग हो। और जैसे ही अयोध्या में अयोध्या वासियों के प्राथमिक सहयोग के द्वारा आज विश्व का सबसे बड़े मंदिर बनने जा रहा है, वैसे ही प्रारूप में जब हम मिथिलावासी जागृत होंगे तो अयोध्या के मंदिर की भी पूर्णता मिथिला के मंदिर निर्माण के बाद ही संभव है। इसीलिए सभी मिथिलावासी, मिथिला में रहने वाले सभी, किसी भी जाति संप्रदाय कहीं भी इसका कोई स्थान ही नहीं है। जितने मिथिलावासी हैं यदि हम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे तो हम अयोध्या से भी बड़े और भव्य मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, और यही करना है। इसलिए हमको सभी को एकजुट होकर के कार्य को निष्पादन करना है। जानकी की 258 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का रामायण सेंटर से, राय रिसर्च सेंटर से योजना है। साथ ही मुख्य प्रतिमा के चारों तरफ 108 अन्य जो ऐसी प्रतिमा का निर्माण होने जा रहा है जिससे माता सीता के जीवन को दर्शाया जा सके। इस स्थल को शक्ति, पर्यटन एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत भवन, शोध केंद्र, अध्ययन केंद्र के साथ डिजिटल लाइब्रेरी समेत कई और अन्य चीज़ों की स्थापना सुनिश्चित किया जा रहा है। तो दोनों ही स्थल बहुत ही कहा जाए कि रामायण काल से रामायण परिपथ के रूप में भारत सरकार ने इसको अक्सर सिद्धार्थपुर और सीतामढ़ी ये दोनों रामायण परिपथ से जुड़ा हुआ है। तो देश विदेश से आने वाले आध्यात्मिक याम अर्चित परिचयती मौली याम ध्यायति ध्यान गतोपि विष्णु सामादि शक्ति शिरसा नमामि। गोष्ठी में उपस्थित रामायण संघ के रिसर्च के इधर इधर देखिएगा, पकड़े रहिए पकड़े रहिए थोड़ा पकड़े रहिए इधर देखिए। आज हमारे बीच उपस्थित श्री किरोड़ी कला महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य श्री धीर सिंह जी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो दिल्ली से आए हैं, श्रीमान जी का स्वागत।